हाय गाइस, यू आर वेलकम। आई एम महेश यादव। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए ग्रामर का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है कंजक्शन। इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा कि कंजक्शन क्या है, क्यों जरूरी है, लेकिन उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज कंजक्शंस प्रॉपरली। जी हाँ, कंजक्शंस का सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें कि आपके सेंटेंस में चार चांद लग जाए, वो सेंटेंस बहुत ही बेहतर नजर आए। अच्छा, कंजक्शन क्यों जरूरी है? चलो आपकी बात मान लेते हैं कि कंजक्शन जरूरी नहीं है। जब तक आपके सेंटेंस इस तरह के हैं, आई एम रोहन, आई एम गोइंग टू मार्केट, ही इज माई फ्रेंड, माई फादर हैज गॉन टू दिल्ली, आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई वॉज वेरी सैड यस्टरडे, जब तक आपके सेंटेंस छोटे छोटे हैं तब तक आपको कंजक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही आप किसी व्यक्ति से कोई कम्युनिकेट करते हो या आप बेहतर कुछ आइडिया लिखते हो तो ऑटोमेटिक ही आपको कंजक्शंस की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि कंजक्शंस वो वर्ड हैं जो दो या दो से अधिक सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। इनके बिना हम अच्छी अंग्रेजी की कल्पना कतई नहीं कर सकते। जैसे देखिए, राम केम टू मी, राम मेरे पास आया, एक सेंटेंस हो गया। ही सेड, वह बोला, दूसरा सेंटेंस हो गया। बीच में फुल स्टॉप लग रहा है, दो सेंटेंस है, ठीक है। आप इस बात को ऐसे भी तो कह सकते हो, राम केम टू मी एंड सेड, राम मेरे पास आया और बोला। अब ये एक ही सेंटेंस है और ये दो सेंटेंस है, हमने इनको एंड से कनेक्ट किया, तो एंड यहां पर क्या है, एक कंजक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे कंजक्शन होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस कंजक्शन का कहां आप बेहतर तरीके से यूज करें ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाए। अच्छा, कंजक्शन बहुत सारे हैं, सारे एक ही वीडियो में तो आ नहीं सकते, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि ये वीडियो आपको टू पार्ट में मिलेगी। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। चलिए काम शुरू करते हैं, बोर फील मत करना, ध्यान रखना मैंने आपको बताया कुछ लेकर जाओगे आज यहां से। कंजक्शंस बहुत हैं, मैंने बताया था, इनको हम दो पार्ट में बांटेंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। तो कोऑर्डिनेट जो कंजक्शंस हैं वो चार प्रकार के हैं, कम्युलेटिव, जोड़ने वाले। अगर आपके भारी भरकम याद नहीं हो रहे हो तो आप छोड़ो, आप प्रॉपर सीधा यूज पे आ जाइए। देखिए, तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन चार प्रकार के हैं। तो पहले हैं कम्युलेटिव, जोड़ने वाले, मतलब दो समान प्रकृति की चीजों को जोड़ने वाले, ठीक है। तो ये कंजक्शन कौन कौन से हैं, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज। पहले मैं इनका अर्थ कर देता हूं, एंड आप जानते हो, और, बोथ एंड दोनों, और नॉट ओनली बट ऑल्सो केवल नहीं बल्कि भी, एज वेल एज के अलावा के अतिरिक्त। मैंने यहां पे दो सेंटेंस लिए। अच्छा, सबसे पहली बात सुनो, फर्स्ट टाइप, जब सब्जेक्ट समान हो, यानी आपके जब सब्जेक्ट समान हो तो इनका यूज कैसे किया जाता है, इनमें से किसका यूज बेहतर है, और जब सब्जेक्ट असमान हो उसको मैं इसके बाद लूंगा, पहले आप सेम सब्जेक्ट वाले देख लीजिए। ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है। ही इज ए सिंगर, वह एक गायक है। तो वह एक टीचर है, वह एक सिंगर है, दोनों चीज एक ही व्यक्ति है, तो हम इनका यूज कर सकते हैं। तो मैंने चारों यूज कर दिए, ही इज ए टीचर एंड ए सिंगर, वह एक टीचर है और एक सिंगर है, ठीक है। ही इज बोथ, वह दोनों चीज है, ए टीचर एंड ए सिंगर। तो ध्यान रखना, कंजक्शंस का यही नियम होता है कि जहां तक पार्ट आपके सेंटेंस का पार्ट सेम है उसको एक बार लिखो, और जो चीज डिफरेंट है उनके बीच में कंजक्शन फंसा दो और दोनों को लिख दो, बस ये हो गया कंजक्शन का यूज। तो ही इज बोथ, वह दोनों चीजें, ए टीचर एंड ए सिंगर, एक टीचर और एक सिंगर। ही इज नॉट ओनली ए टीचर, वह ना केवल एक टीचर है बट ऑल्सो ए सिंगर, बल्कि एक सिंगर भी है। ही इज ए टीचर एज वेल एज ए सिंगर, वह एक टीचर के अलावा एक सिंगर है, वह एक टीचर के अलावा एक सिंगर है। तो ये चार यूज आपने देखे, यानी कि जब हमारे सब्जेक्ट समान थे, ठीक है, और वाक्य प्रकृति लगभग एक जैसी थी, एक जैसी बात चल रही थी, हम किसी व्यक्ति के बारे में दो बात बता रहे थे, तो हमने इनका यूज किया, ठीक है। अब एक बात बताइए कि आपने इस क्लास में से जो भी ये पढ़ा, इसमें से किसी बच्चे ने मतलब एंड उठा लिया कि वाह, एंड से हम सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, एंड तो एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, पहले से यूज करते आ रहे हो, आप क्यों ना नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कीजिए, क्यों ना आप एज वेल एज का यूज कीजिए। जैसे अगर चारों सेंटेंस को मैं देखूं और इनको नंबर दूं एक टीचर की दृष्टि से कि भाई किसने बेहतर लिखा, तो मैं इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को मार्क्स दूंगा। जैसे मैंने बताया था ना कि प्रॉपर यूज कैसे करें, यानी कि इन सेंटेंस में से ये सेंटेंस बेहतर है और ये सेंटेंस बेहतर है, ये फिर भी थोड़ा बेहतर है, ठीक है, ये सबसे कम बेहतर है। यानी एंड का यूज हम कहाँ अच्छे से करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, जहां ये अच्छा लगेगा। यहां पर हमें ये अच्छा लग रहा है, इसमें हम क्वालिटी दे रहे हैं।
अब हम आते हैं असमान जब सब्जेक्ट हो, यानी अलग अलग सब्जेक्ट हो तो इनका यूज कैसे करते हैं और कौन सा बेहतर रहता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं जब सब्जेक्ट अलग हो असमान हो तो इनका यूज कैसे किया जाता है। जैसे दो सेंटेंस है, मुकुल इज माई फ्रेंड, मुकुल मेरा मित्र है, हरीश इज माई फ्रेंड, हरीश मेरा मित्र है। अब भी क्या कहोगे बच्चों, जैसे सेंटेंस ले आया, पर आपको थोड़ा शुरू में सिखाने के लिए मैंने ये सेंटेंस लिए, बाद में थोड़े टफ सेंटेंस कर देंगे। देखिए तो मुकुल मेरा मित्र है, हरीश मेरा मित्र है, इनको हमने चारों से कनेक्ट किया तो कैसे हुए। सबसे पहले एंड लिया हमने, मुकुल एंड हरीश, मुकुल और हरीश। अब चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, क्योंकि दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होगी, तो यहाँ पे क्या आ गया आर, मुकुल एंड हरीश आर माई। अब एक ही मित्र नहीं है, दो मित्र है तो फ्रेंड्स हो गया, तो मुकुल एंड हरीश आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, सेम इसमें आएगा बोथ, दोनों ही मुकुल एंड हरीश आर माई फ्रेंड्स, मुकुल और हरीश मेरे मित्र हैं। इसमें भी हमने वर्ब को प्लूरल किया और जो हमारा फ्रेंड है उसको फ्रेंड्स कर दिया। लेकिन नॉट ओनली मुकुल, ना केवल मुकुल, बट आल्सो हरीश इज माई फ्रेंड, ना केवल मुकुल बल्कि हरीश भी मेरा मित्र है। इसमें हमने वर्ब को प्लूरल नहीं किया क्योंकि ना केवल हरीश बल्कि मुकुल पीछे सब्जेक्ट सिंगुलर है। मुकुल एज वेल एज हरीश इज माई फ्रेंड, इसी तरह से हम एज वेल एज में हमने लिया मुकुल के अलावा हरीश मेरा मित्र है। तो ठीक है, ये चार तरह से आपके सामने आए। तो हमने इनका यूज कैसे किया, आपने थोड़ी चीज पकड़ने की कोशिश की, इसमें मुकुल इज माई फ्रेंड और हरीश इज माई फ्रेंड में से मुकुल और हरीश डिफरेंस है, यहाँ पे अंतर है, और जहां पे चीजों में अंतर हो वहीं पर हम इनका यूज करते हैं। तो हमने शुरू में ही इनका यूज कर दिया, नॉट ओनली बट नॉट ओनली शुरू में आ गया, बोथ शुरू में आ गया, एज वेल एज इनके बीच में आ गया। तो ध्यान रखना कि जब मतलब सेंटेंस में जो चीज सेम हो उसको तो एक बार लिखते हैं कंजक्शन का यूज करते समय, और जो चीज अलग हो उनके बीच में हम इनका यूज करते हैं। अब ये चार सेंटेंस आपके सामने आए तो मैं ईमानदारी से कहूंगा मुझे चारों ही अच्छे लग रहे हैं। इनमें से आपको जो पसंद आ रहा हो आप उसका यूज वैसे कर सकते हो, चारों ही बेहतर है। जैसे ना केवल, ये भी ठीक है, ना केवल मुकुल बल्कि हरीश भी मेरा मित्र, अच्छा सेंटेंस है, आप यूज कर सकते हो। नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो चाइना हैज ए बिग पॉपुलेशन, नॉट ओनली गांधी बट आल्सो नेहरू वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से इनका यूज बहुत हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर यूज की कुछ बड़े सेंटेंस में। जैसे रवि एडवाइज्ड मी इन डिफिकल्टी, रवि ने मुझे कठिनाई में सलाह दी। ही सपोर्टेड मी ऑल राउंड, उसने हर तरीके से मेरी मदद की, मेरी सहायता की। ठीक है, ये दो सेंटेंस थे, हमने इनको कनेक्ट किया, एक जैसे नेचर है। तो अब वो चार जो कंजक्शन आपके दिमाग में घूम रहे हैं उनमें से दो बेहतर मैंने यहाँ पे लिए और दो को मैं बताऊंगा कि वो बेहतर क्यों नहीं थे, वो बहुत अटपटे लगेंगे। रवि नॉट ओनली एडवाइज्ड मी इन डिफिकल्टी, रवि ने ना केवल कठिनाई में मुझे सलाह दी बट आल्सो सपोर्टेड मी ऑल राउंड, बल्कि मुझे हर तरह से सहारा दिया। कितना सुंदर सेंटेंस आपको लग रहा है, रवि एडवाइज्ड मी इन डिफिकल्टी, रवि ने कठिनाई में मेरी सहायता की, रवि ने कठिनाई में मुझे सलाह दी, एज वेल एज इसके अलावा सपोर्टेड मी ऑल अराउंड, बल्कि हर तरह से मुझे सहारा दिया। अब जरा बोथ हैंड से देख लीजिए, अगर बोथ हैंड से बैठेगा ही नहीं है, रवि बोथ एडवाइज्ड मी डिफिकल्टी एंड सपोर्टेड, मतलब एंड तो बैठ जाएगा, बोथ नहीं बैठेगा। अब एंड को देख लीजिए, रवि एडवाइज्ड मी डिफिकल्टी एंड सपोर्टेड मी ऑल अराउंड, बैठ रहा है, रवि ने मेरी कठिनाई में मुझे कठिनाई में सलाह दी और मेरी हर तरह से मदद की। पर वो थोड़ा सिंपल है, जब हमारे पास एक बेहतर चीज है सेंटेंस में लिखने के लिए नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल है, तो हम एंड का यूज क्यों करें, एंड का कहां प्रॉपर यूज होगा ये मैं आपको दिखा दूंगा। मतलब ऐसा नहीं कहा जैसे ये नॉट ओनली बट आल्सो और एज वेल एज हमने पकड़ लिए तो ये सबसे बेहतर हो गए, नहीं, कहीं एंड सबसे बेहतर है, कहीं बोथ एंड सबसे बेहतर है, यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस कंजक्शन का कहां अच्छे से यूज करें। अब एक सेंटेंस ये देखिए आप, माई फादर वेंट टू मार्केट, मेरे पिता बाजार गए थे, ही ब्रॉट अ डिक्शनरी फॉर मी, वह मेरे लिए डिक्शनरी लाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चाहें कि मैं नॉट ओनली बट आल्सो को लगाऊं, मैं एज वेल एज को लगाऊं, तो बहुत अटपटा लगेगा, यहाँ पर सिर्फ एंड ही लगेगा। जैसे माई फादर नॉट ओनली वेंट टू मार्केट, मेरे पिता ना केवल बाजार गए बट आल्सो ब्रॉट ए डिक्शनरी फॉर मी, बल्कि मेरे लिए डिक्शनरी भी लाए, बहुत बेहुदा लगेगा। आपने लगा तो दिया पर सामने वाला हंसेगा कि इसमें नॉट ओनली बट आल्सो की कोई आवश्यकता नहीं है। माई फादर वैन, मतलब बोथ हैंड का तो कोई मतलब नहीं आ रहा यहाँ पे, मेरे माई फादर वैन टू मार्केट एज वेल एज ब्रॉड ए डिक्शनरी फॉर मी थोड़ा बेहतर है, लेकिन सबसे बेहतर एंड है कि माई फादर वैन टू मार्केट एंड सब्जेक्ट हट जाएगा एंड और मेरे लिए डिक्शनरी लाए, तो यहाँ पर एंड सबसे सूटेबल है। तो आपको सेंटेंस को देख करके ये देखना होगा कि कौन सा हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जो अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, पढ़ने में
अच्छा लगे। इसके बाद आते हैं हमारे सेकंड नंबर के, इनको बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शंस, वैकल्पिक कंजक्शंस। यानी दो ऐसे सेंटेंस जब आपके सामने आए जिनमें विकल्प दिए गए हों, उनमें से विकल्प वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इनका यूज करते हैं। और ये चार हैं, और अथवा, आइदर और, या तो या, नाइदर नॉर, ना तो ना, अदरवाइज अन्यथा। अब यहां पर मैंने आपको चार सेंटेंस दिए जिनमें विकल्प है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, तुरंत कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और मुझे इन चारों में से सबसे सटीक किस्म कौन सा लग रहा है उसको यूज करके बताइए, ताकि आप सीख सकें कि हम बेहतर कंजक्शंस का यूज कैसे करें। अब मैंने आपके लिए जो सबसे सटीक थे वो तैयार कर दिए और आपको सीखने का मौका मिलेगा कि ये कैसे यूज होते हैं। हरी अप, यू विल बी लेट, तो जल्दी करो तुम लेट हो जाओगे। हरी अप, जल्दी करो, अदरवाइज, अन्यथा, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। अब इसमें मान लो आप लगाओगे आइदर और, तो या तो जल्दी करो या तुम लेट हो जाओगे, थोड़ा अटपटा लगेगा, तो इसमें सबसे बेहतर होगा हमारा अदरवाइज, या फिर और भी लगा सकते हो, हरी अप और, अथवा यू विल बी लेट। यू स्टोल माई वॉच, तुमने मेरी घड़ी चुराई थी। योर ब्रदर स्टोल माई वॉच, तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई थी। तो दो मिलके एक घड़ी को तो चुराएंगे नहीं, तो आप क्या कहोगे, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने, तो इसमें हम आइदर और का यूज करेंगे, यही सबसे बेहतर होगा। आइदर यू, या तो तुमने, और अथवा योर ब्रदर, तुम्हारे भाई ने स्टोल माई वॉच, मेरी घड़ी चुराई थी। और नेक्स्ट है हमारा, रानी डज नॉट टेक टी, रानी चाय नहीं पीती है। सी डज नॉट टेक कॉफी, वह कॉफी नहीं पीती है। तो रानी टेक्स नाइदर टी नॉर कॉफी, रानी ना तो चाय ना ही कॉफी लेती है या पीती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब नाइदर नॉर का यूज करें तो नॉट हटता है, ठीक है, क्योंकि नाइदर नॉर खुद ही नेगेटिव है, तो आपको नॉट हटाना पड़ेगा। पर चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, तो इसमें से हमने डज को भी हटाया, क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। इसमें जो ऐसा और ई एस था, ये वर्ब में यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है कम ऑन टाइम, टाइम इसमें दो बार लिख दिया मैंने, कम ऑन टाइम, समय पर आओ, डोंट कम एट ऑल, बिल्कुल भी मत आओ। तो क्या कहोगे आप, या तो समय पर आओ या बिल्कुल मत आओ। तो आइदर कम ऑन टाइम, या तो समय पर आओ, और डोंट कम एट ऑल, या फिर बिल्कुल भी मत आओ। या फिर आप ये भी कह सकते हो कम ऑन टाइम अदरवाइज डोंट कम एट ऑल, समय पर आओ अन्यथा बिल्कुल मत आओ, ये भी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे तीसरे, कॉन्स्ट्रेटिव कंजक्शंस, विरोध वाले, यानी परस्पर दो विरोधी स्वभाव वाले, विरोधी नेचर वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। और ये कई सारे हैं, बट, लेकिन, यट, फिर भी, नेवरदीलेस, फिर भी, हाउ एवर, फिर भी, स्टिल, फिर भी, वेयर इज, जबकि। तो देखिए, आई डिड माई बेस्ट, मैंने मेरी सबसे अच्छी कोशिश की, आई फेल्ड, मैं फेल हो गया। तो दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस का विरोधी है, उल्टा है, यानी मैंने जब बहुत कोशिश की तो मैं सक्सेस होना चाहिए था, मैं पास होना चाहिए था, लेकिन मैं फेल हो गया। तो लेकिन शब्द, बट शब्द यहाँ पर ऑटोमेटिक अपनी जबान पर आ जाएंगे, लेकिन बात यह है कि हम प्रॉपर तरीके से किसका यूज करें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सभी का यूज कर दिया, क्योंकि सभी सही हैं, लेकिन देखिए, आई डिड माई बेस्ट, मैंने सबसे अच्छी कोशिश की, बट, लेकिन, यट, फिर भी, नेवर दी लेस, फिर भी, हाउ एवर, फिर भी, स्टिल, फिर भी, आई फेल्ड, मैं फेल हो गया। तो बट का तो आप यूज करते आ रहे हो, बट तो ऑटोमेटिक हम यूज कर लेते हैं, सब जानते हैं कि बट लेकिन हम लगा ही देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारे विकल्प दिए जा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था, कि आप उन विकल्पों को लीजिए और अपने इस्तेमाल में शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो। तो आप नेवर दी लेस लगाइए, आप हाउ एवर लगाइए, आप स्टिल लगाइए, आप यट लगाइए, बट तक नॉर्मल से हो गया, मैं मना नहीं कर रहा, बट मत लगाइए, लेकिन आप इनका यूज कीजिए, ताकि आपके इंग्लिश में स्किल आए। नेक्स्ट है वाइज मीन सो देयर फॉल्ट्स, बुद्धिमान लोग अपनी कमियों को दिखाते हैं। फूल्स अवॉइड देम, मूर्ख उनसे बचते हैं। तो यहां पर वाइज मीन सो देयर फॉल्ट्स, वेयर इज, जबकि, फूल्स अवॉइड देम, जबकि मूर्ख उनसे बचते हैं, यहां पर वेयर इज ही आएगा, जबकि ही आएगा, क्योंकि अगर आप इनको लगाओगे तो चल जाएगा बट, यट, बट चल जाएगा इसमें, और यट नहीं चलेगा, हाउएवर नहीं चलेगा, नेवरदीलेस नहीं चलेगा। जैसे ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, वह गरीब है, वह खुश है, वह गरीब है फिर भी वह खुश है, वह गरीब है लेकिन वह खुश है, वह गरीब है हाउएवर, इसमें आप कोई सा भी लगा सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि वह गरीब है तो वह दुखी रहना चाहिए, लेकिन दूसरा सेंटेंस अपोजिट आया, ठीक है, अपोजिट नेचर का आया, तो हम इनका यूज कर सकते हैं। वीडियो का मकसद यही था कि आपको इन कंजक्शंस की नॉलेज मिले और आप इनका यूज करना सीखो। ध्यान रखना, वीडियो का मकसद तभी कामयाब होगा जब इस वीडियो को समाप्त होने के बाद
पेन कॉपी उठाइए, ऐसे सेंटेंस सोचिए जिनमें विकल्प आ रहे हो, जिनमें जैसे विरोध वाले सेंटेंस हो, जिनमें समान प्रकृति के सेंटेंस हो, और आप इनका यूज कीजिए। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहता हूं कि सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, जितना सीखा उसको काम में ले लीजिए, जितना सीखा उसको प्रैक्टिकल कर दीजिए। अब इसके बाद लास्ट हमारे चौथे आते हैं इलेटिव, परिणाम वाले, यानी कि ऐसे दो सेंटेंस दिए गए हों जिनमें पहले में जो चीज बताई गई हो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम दूसरे वाले में आए, तो हम इन कंजक्शंस का यूज करते हैं। सो इसलिए, देयरफॉर, इसलिए, फॉर, क्योंकि, सिंस, क्योंकि या चूंकि, हेंस, अतः या इस कारण से। तो देखिए, ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं था, पहला सेंटेंस है। इसका रिजल्ट क्या आया, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, तो धन नहीं था इस कारण से पढ़ाई को छोड़ दिया। तो यहां पर स्वाभाविक हम क्या लगा देंगे, ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं था, सो इसलिए, देयरफॉर, इसलिए, हेंस, इस कारण से, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। तो ध्यान रखना यहां पर, देखिए सो हमारी जबान पर तुरंत आता है, सो इसलिए, वह नहीं पढ़ा इसलिए फेल हो गया, पर यहां पर आपको चॉइस मिल रही है ना, आप देयरफॉर लगाइए, आप फॉर लगाइए, सिंस लगाइए, हेंस लगाइए। अभी देखिए, मैंने यहां पर जो फॉर और सिंस है उनको नहीं लगाया, क्योंकि उनको लगाने पर आपको सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर आप जैसे सेंटेंस दिख रहे हैं आपको ऐसे ही लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपने पढ़ाई को छोड़ दिया, यानी इस सेंटेंस को पहले लाइए, क्योंकि, फॉर, क्योंकि, सिंस, क्योंकि, ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं था। अगर आप यहीं पे लगाना चाहते हो इसी स्थिति में, तो ये शुरू में लगेगा, सिंस, चूंकि या क्योंकि, फॉर, क्योंकि, क्योंकि उसके पास धन नहीं था तो उसने पढ़ाई को छोड़ दिया। तो इनका यूज इस तरह से होता है। तो गाइज, मुझे खुशी है कि आप लास्ट तक वीडियो में टिके रहे, सारे कंजक्शंस को आपने बड़े धैर्य से सीखा। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा, आप एक हल्का सा टेस्ट लूंगा। ये डबल डबल सेंटेंस है, चार तरह, देखो चार तरह कंजक्शन थे और ये चार ही सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, डबल डबल सेंटेंस है। अब आपको ये देखना होगा कि इन सेंटेंस को हम किन कंजक्शन से जोड़े, ठीक है। ये मैंने मिक्सअप कर दिए, क्रम से नहीं है, जैसे उसमें क्रम था कि भाई जोड़ने वाले, विकल्प वाले, ग्रुप, तो यहां पर ये अलग अलग है। आपको खुद को महसूस करना होगा कि किन सेंटेंस को किन कंजक्शन से जोड़े, तो ये आप कर लोगे। नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। इसके अलावा ये करने के बाद, फिर जो बात मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, इसमें भी आपसे कहूंगा, अगर आपको सीखना है, कोई वीडियो, कोई टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा, जितने कंजक्शंस आपने देखे इनको अपने खुद के सेंटेंस में यूज कीजिए। आप सोचिए कि दो विरोधी नेचर के कौन से सेंटेंस आप खुद बनाइए, फिर उनमें इनका यूज कीजिए। जब भी आप बुक्स पढ़ रहे हो तो आप जहां भी ये कंजक्शंस आए तुरंत आप नोट कीजिए, अच्छा ये वो कंजक्शन है। इस तरह से ये हमारे दिमाग में आएंगे, हम जब दिमाग में कब आएंगे, जब हमारे यूज में आएंगे, तो चीजों को यूज में लेना शुरू करो, इंग्लिश आपकी ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आई है तो शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।